विभाग प्रमुख के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्य लामबंद होने लगे हैं। यह संकेत रविवार को उस समय सामने आए जब क्षेत्र के 53 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक परिसर में बैठक की और इस दौरान मौजूदा ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत के कार्यों के प्रति गहरी नाराजगी दिखाई। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरोप है कि शासनादेश के बावजूद ब्लॉक मुख्यालय पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कोई बैठक आहूत नहीं की जा रही है, जबकि वर्ष में 6 बैठकें कराए जाने का प्राविधान लागू है। वर्ष के 8 माह बीत चुके हैं और अभी तक सिर्फ एक ही बैठक हुई है। बता दें कि सिधौली विकास खंड क्षेत्र में कुल 101 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। इन सदस्यों में से 53 सदस्यों ने रविवार को अवकाश के दिन ब्लॉक मुख्यालय पर बैठक कर रणनीति बनाई। क्षेत्र पंचायत अकोरा के BDC सुशील रावत आई इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। हम लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अच्छा अच्छा। और जहाँ जितने लोग यहाँ खड़े हैं सारे लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। हम क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कुछ समस्याएं हैं। क्या है समस्या मतलब? जैसे कि किसी को कार्य नहीं मिला है, किसी को मिला है उसको समान तरीके से वो हम लोगों का जो कुछ है नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग आपस में बैठ के बात विवरण कर रहे हैं कि अब अगली कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि अगली बार हम ब्लॉक प्रमुख से मिलेंगे, BDO साहब से मिलेंगे, अपने उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे। अभी तक कितने लोगों का मिला है? इसमें से जितने लोग खड़े हैं उसमें से 7-8 लोगों को काम मिला है। 101 लोगों और में बाकी कुछ लिस्ट है। 101 लोगों में से 7 लोगों को काम मिला है? नहीं, यहाँ जो जितने लोग खड़े हैं उसमें से 7-8 लोगों को काम मिला। कितने जिला पंचायत सदस्य हैं? 101 क्षेत्र पंचायत सदस्य। हमारे ब्लॉक में अभी तक एक मीटिंग हुई है और जबकि शासनादेश है सरकार की मंशा के अनुरूप जो है शासनादेश है कि कम से कम 6 मीटिंग होनी चाहिए। तो ये मीटिंग कौन करवाता है? ये मीटिंग करवाएंगे BDO साहब प्रमुख जी। तो इनका क्या कहना है? अब इनसे वार्ता होगी। अच्छा। इनसे करते नहीं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विकास संबंधी कोई काम करने के अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। BDC का कहना है कि वह लोग मतदाताओं को भरोसा इसी बात को लेकर हासिल करते हैं, यदि हमें अवसर मिला तो हम क्षेत्र का विकास कराएंगे, लेकिन विकास की कौन कहे, यहाँ अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पा रहा है। भवानीपुर के BDC वीरेंद्र ने आई इंडिया को बताया। ये नहीं करते, इनको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा। BDC लोगों को भत्ता देना पड़ेगा, इसीलिए नहीं मीटिंग करते हैं। हम लोगों को खुद मात्र जो मीटिंग किया है वो भी पैसा नहीं मिला है। एक पैसा किसी को नहीं मिला। पैसा हमको नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? 1.5 साल हो गए हैं। वीरेंद्र कुमार, BDC भवानीपुर। हाँ, 1.5 साल हो गए हैं, ना तो एक बार मीटिंग किया है इन्होंने, उसका भी पैसा नहीं आया है, और ना तो काम दिया है इन्होंने, और सहारा देते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। बैठक में मौजूद 53 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कहा कि उन्हें कोई भी भत्ता नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक बैठक का 1,000 रुपए आता है, वह भी नहीं दिया जा रहा है। BDC का कहना है कि जब हम क्षेत्र में चुनाव के लिए जाते हैं, अपनी क्षेत्र की जनता को विकास का वादा करते हैं, लेकिन जब हमको किसी प्रकार का काम नहीं मिला है तो हम कैसे क्षेत्र में विकास कार्य करा पाएंगे। अगर ब्लॉक प्रमुख की कार्यशैली में सुधार ना हुआ तो वह सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। बैठक में गड़िया हसनपुर के BDC सादाब अंसारी, जयराम, सुशील रावत, लोकुश कुमार, सतीश, रामस्वरूप सहित 53 BDC मौजूद रहे। गड़िया हसनपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य सादाब अंसारी ने आई इंडिया को बताया। देखिए, यहाँ पे हम लोगों का जैसे शासनादेश आया है कि साल में 6 मीटिंग, मगर यहाँ पे हम लोगों को पूरी मीटिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक मीटिंग हुई है अभी तक। क्या कारण है इसका भैया? अब ये तो ब्लॉक की अधिकारी और या प्रमुख जी ही बता पाएंगे, हम लोग तो इसके बारे में नहीं पूरी सूचना दे पाएंगे। और ना हम लोगों को पूरा भत्ता दिया जाता है, जैसे साल में 1,000 रुपये प्रति भत्ता हम लोगों को आता है मीटिंग का, हर मीटिंग का, तो साल का 6,000 रुपये भत्ता हुआ, पूरा भत्ता भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए पहली तारीख को हम लोगों ने, हमारा प्रधान जत पंचायत स्वाभिमान संघ के सभी पदाधिकारी जिले के सीतापुर में मौजूद थे और वहाँ पे हम लोगों ने CDO साहब को भी ज्ञापन दिया है। अच्छा, जैसे आपकी मांगे ना पूरी हो तो क्या होगा? नहीं, फिर तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, नहीं होगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, जब तो सामूहिक इस्तीफा देने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए
आई इंडिया।